is a word होप आपको बोर्ड क्लियर दिख रहा होगा बेटा नहीं दिख रहा था मैम यस मैम यस मैम यस मैम to convey emotion. It is not. Okay, रहन दीजिए लाइन मत नोट कीजिए बस फर्स्ट वाली लाइन नोट कीजिए सफिशियंट होगा आपके लिए फॉर एग्जाम्पल मैम इसको नोट करने क्या यस राइट इट डाउन इन योर ग्रामर कॉपी फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग एग्जाम्पल आउच दैट हर्ट यानी कि जब हमें चोट लगता है तो हमारे मुंह से एक वर्ड निकलता है लाइक दर्द के लिए जो हम बताते हैं लाइक दैट आउच एटसेट्रा तो ये आपके इंटरजेक्शन में आते हैं एक चीज याद रखना है आप जब भी इंटरजेक्शन का यूज करेंगे तो आपको ये वाला जो मार्क है जिसको हम एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं इसका आपको यूज करना है ओके एक्सक्लेमेटरी के साथ हम इंटरजेक्शन को दिखाते हैं हमेशा एंड देयर इज सो मैनी एग्जाम्पल्स लाइक दैट फॉर एग्जाम्पल ओ नो फॉरगॉट दैट द एग्जाम वॉज ऑन मंडे जैसे ओ नो जब हमको कोई सडन चीजें पता चलती है जो चीज नहीं होनी चाहिए थी वो हमको पता चलती है तो हम क्या बोलते हैं ओ नो चोट लगती है तो हम क्या बोलते हैं आउच ओके किसी को बुलाना होता है या किसी को हम कुछ इशारा कर रहे होते हैं तो क्या बोलते हैं हे ओके लाइक दैट तो ये सारी चीजें क्या होती हैं हमारे इंटरजेक्शन होते हैं देयर आर सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरजेक्शन लाइक नंबर वन आ ठीक है सो दिस इज एक्सप्रेस प्लेजर जब हमको खुशी या आनंद महसूस होता है तो हम आह का यूज करते हैं इट इज एक्सप्रेस प्लेजर या सरप्राइज दो चीजें लिख सकते हैं कॉमन है के लिए अलास अलास मतलब दुख के लिए यूज होता है यानी कि जब हमको कोई दुख वाली चीजें पता चलती है तो हमारे मुंह से अलास निकलता है एग्जाम्पल एक्सप्रेसेस ग्रीफ और पीटी ग्रीफ यानी कि दुख दुख जाहिर करने के लिए ग्रीफ और पीटी Now, the next one is dear. Dear, आप सभी जानते होंगे हम किसी को प्यार से जब पुकारते हैं express happiness और also surprise. Okay. The next one is E. जब हम कोई इंक्वायरी कर रहे होते हैं ठीक है या कोई चीज को बार बार हमको रिपीट करना होता है तो हम यूज करते ई ओके ई एच ई आप लोग मैं जो बोल रही हूँ मेरे सेंटेंसेस को बहुत ध्यान से सुनिए इसे किस तरह से प्रोनाउंस करना होता है ई फॉर आस्किंग ऑफ फॉर रिपीटेशन यानी कि प्लीज आप फिर से बोलिए जैसे हम हिंदी में बोलते हैं हम कुछ किसी से कोई बातें कर रहे होते हैं हम किसी की बात सुनते हैं हमें नहीं समझ में आता है तो हम दोबारा उनको एक सरप्राइज वाला इमोशन सरप्राइज वाला एक बोलोगे आप फेस दिखाकर बोलते हैं हाँ फिर से बोलिए रिपीट दैट तो उसके लिए हम ई का यूज करते हैं ओके आस्किंग फॉर रिपीटेशन आस्किंग फॉर रिपीटेशन एक्सप्रेस इंक्वायरी या फिर इंक्वायरी वही चीज होती है रिपीट करने के लिए इंक्वायरी करने के लिए हम ई का यूज कर लेते हैं एंड द नेक्स्ट वन इज
ठीक है, सो हैज स्टेशन, तो ये कुछ साउंड अलग टाइप का आता है लाइक ईर, ठीक है। हमारे मुंह से जब हम किसी चीज को बोलने से हिचकिचाते हैं तो हम थोड़ा सा इधर उधर देखते हुए एक एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, जैसे बोलते हैं वो ना, हम हिंदी में बोलते हैं उस टाइप का ही होता है ये एक्सप्रेस हेसिटेशन। लाइक दैट, हेलो हेलो, किसी को ग्रीट करने के लिए यूज करते हैं एक्सप्रेस ग्रीटिंग। हम जब किसी से मिलते हैं तो पहला वर्ड हमारे मुंह से हेलो निकलता है, तो ये एक तरह का ग्रीटिंग होता है, जैसे हिंदी में नमस्ते होता है। नहीं आ रही है बेटा, मे बी सब नेटवर्क इशू दे रहा, ओके चेक योर नेटवर्क प्रॉपरली। मैम ये फिफ्थ में ईआर एक्सप्रेसेस के बाद क्या लिखा है? हेसिटेशन बेटा, हेसिटेशन, HESITATION। Kindly turn off your mic, beta, please. Expresses hello for expresses greeting. Okay. चलिए ये बहुत लेंदी हो रहा है तो मैं इसको हेलो एंड हाई एक साथ कर दे रही हूँ, हेलो एंड हाई, इट इज सेम, ओके। हम हेलो को ही स्मॉल करके आज की डेट में क्या बोलते हैं, हाई, तो एच आई हाई ऑल्सो यूजेस फॉर एक्सप्रेसिस ग्रीटिंग एंड हे फॉर अटेंशन। हमको अगर किसी का अटेंशन चाहिए होता है या हम किसी को बुलाते हैं तो हम किस वर्ड का यूज करते हैं, हे, मतलब इधर सुनो इधर देखो, लाइक कॉल अटेंशन। एंड एक्सप्रेसिस जॉय, जब हमको खुशी जाहिर करनी होती है उसके लिए भी हम यूज करते हैं। ओह, ओह फॉर पेन, जब हमें चोट लगती है तो हमारे मुंह से क्या निकलता है, ओ या आउच, ये दोनों चीजें जो होती है ये पेन के लिए यूज होती है, ओ एंड आउच। एक्सप्रेसिस पेन या प्लेडिंग, किसी को कहीं डाउट होगा तो बेटा पूछ लेंगे, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। कैन यू टेल मी वाओ? ओके मैम। वी यूज वाओ फॉर दैट, वाओ किसके लिए यूज होता है, कैन यू टेल मी प्लीज, इज एनीबॉडी नो? मैम वाओ, वाओ मतलब अच्छा। हाँ तो हम कौन सा एक्सप्रेशन बताते हैं वाओ से? मैम हम वाओ से बताते हैं कि मैम जब कोई सरप्राइज देता है तब, सरप्राइज देते हैं या फिर ऐसे टाइप का कुछ, देता है कोई तो हम क्या हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, राइट, तो वाओ फॉर एक्साइटमेंट, ठीक है। तो वाओ किसके लिए यूज होता है, ये हो गया बेटा, कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड है? यस मैम, यस मैम, यस मैम, साइड ऑफ दिस बोर्ड, ओके आई एम यूजिंग द अनदर साइड। Okay, is that clear? Yes, ma'am. Okay, yes, ma'am. Now write down the ninth number point. Wow. Wow is for express excitement. And after that, ooh, आप साउंड देखकर पहचानिए कि किस लिए यूज होता होगा। ooh, हम लोग जब गुस्सा होते हैं तो हम बोलते हैं ना, ओहो ये क्या कर दिया तुमने, है ना, तो उसे इंग्लिश में ओहो को क्या बोलते हैं, ओहो, ठीक है, ओहो क्या हो जाता है चेंज होकर, ओहो, क्लियर, समझ में आ रहा है? मुंह खुलेगा किसी का, कोई कुछ नहीं बोल रहा। Yes, मैं समझ में आ रहा है। क्या बोलते हैं बेटा, जब गुस्सा आता है तो ओफो को क्या बोलते हैं, ओफो को क्या बोलेंगे, बोलिए, मैं लिखते जा रही हूँ, आप बोलिए।
अभी मैंने बताया ना, गुस्सा आता है। एंड ऑल्सो यूज फॉर अग्रीमेंट ना, ऑल्सो यूज फॉर अग्रीमेंट। जब बोलते हैं किसी चीज पर हम पूरी तरह से अग्री नहीं होते, बट कोई चीज बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं ना, हम्म, तो ऐसे बोलते हैं हम्म, तो ये है हम्म, ठीक है। एंड हुर्रा, अब ये तो बता दो हुर्रे किस लिए यूज होता है, बहुत बोलते हो तुम लोग साथ में। मैम हुर्रे यूज होता है जब हम लोग को कुछ अच्छा लगता है या फिर ऐसे स्कूल में पिकनिक वगैरह लेके जाते हैं तो हुर्रे। यस, यानी कि आप क्या एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, अपनी खुशी, यानी कि जॉय, एक्सप्रेसेस जॉय एंड थ्रिल। वेरी गुड, किसने कहा, नाम क्या है आपका बेटा? अर्पिता यादव। वेरी गुड अर्पिता। वेल 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 फॉर यू एक्सप्रेसेस सरप्राइज एंड इंट्रोड्यूसेस अ रिमार्क। ठीक है, हम जैसे बोलते हैं ना, ठीक है, लाइक दैट वेल इंट्रोड्यूसेस अ रिमार्क। ओके मैम, 11 नंबर में हुर्रे एक्सप्रेस के, एक्सप्रेस जॉय के बाद क्या लिखा है? थ्रिल, thrill, थ्रिल। यस मैम। तो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 11 इंटरजेक्शन। इस चैप्टर में इतना ही एक्सप्लेन करना है आपको, इतना ही चीज है जिसे आपको समझना है कि कौन सा इंटरजेक्शन किस एक्सप्रेशन के लिए यूज होता है, ये आपको क्लियरली समझना है। और फॉर दिस गिवन टू एक्सरसाइजेस इन दिस चैप्टर, पेज नंबर 71, राइट द सेंटेंस यूजिंग एन इंटरजेक्शन फॉर द गिवन सेंटेंसेस सिचुएशन। ओके, तो आपको सबके लिए एक्सक्लेमेशन लगाना है। So I will do this exercise. I will send this exercise in your group. Okay? You have to complete it in your homework, as your homework in your book. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Ma'am. Okay, ma'am. Is that clear or not? Is all that clear or not? Yes, ma'am. किसी को डाउट है? ma'am, clear. ma'am. No, ma'am. Very good. No, ma'am. Who said no, ma'am? कोई डाउट है कि नहीं है? No, ma'am. No, ma'am. ma'am, कोई डाउट नहीं है, ma'am. No, ma'am. ma'am, कोई डाउट नहीं है. Okay. So, shall we end this meeting? Bye. ठीक है? I'll send the note. ये कंप्लीट हो गया सभी का ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, आई एम एंडिंग दिस मीटिंग।